हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। गाइज, आज मैं फिर आ गया हूँ दादा मोटर्स। पीछे आप देख रहे हो टाटा के शोरूम में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि आज टाटा कर्व की लॉन्चिंग होने वाली है। तो टाटा मोटर्स ने हमें इनवाइट किया था। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कौन कौन से वेरियंट्स लॉन्च करने वाली है टाटा। तो मैं आपको ना कार्स भी दिखाऊँगा आज, कौन कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, कैसी कार रहने वाली है। बाकी पूरी डिटेल्स के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। की हाइप देख रहे हो, यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे यार देखने के लिए। इसको इस साइड आप देख रहे हो, ये वाली ईवी है और ये वाला डीजल वेरिएंट है। दोनों की डिटेल वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कार को देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिए जाते हैं इसमें। तो गाइज, कलर देखो, ग्रे कलर है। फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी है, मेटालिक कलर आपको ऑफर किया जाता है। टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है तो बढ़िया रहती है। अभी इसमें ना मैनुफैक्चरिंग क्वालिटी बहुत प्यारी हो गई है। यहाँ पे पियानो ब्लैक के एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं व्हील्स के ऊपर। तो भाई, ईवी में जैसे आपको पता है फ्रंट फ्रंक लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 11.4 लीटर का फ्रंक स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन। और मोटर की क्वालिटी देखिए आप कितनी प्यारी दी गई है। प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है बोनट पे। प्रॉपर ये यहाँ से इस तरह से लॉक किया जाता है और यहाँ पे डॉट ईवी की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ से आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो। स्प्रिंग मैकेनिज्म दिया गया यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे देखिए फ्रंट डिज़ाइन कार का, यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया। ये मैं आपको कर्व डॉट ईवी दिखा रहा हूँ। और फ्रंट बम्पर में एलिमेंट्स देखिए कितने प्यारे दिए गए। यहाँ पे क्रोम के इंसर्ट्स दिए गए छोटे छोटे। फ्रंट कैमरा भी दिए गए आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे फ्रंट जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प, और यहाँ पे देखिए फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। और पियानो का वर्क किया गया यहाँ पे, ग्रे कलर में बॉडी कलर बम्पर दिया जाता है। और पियानो की पियानो वर्क जो किया गया काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं कार में। यहाँ पे देखिए फ्रंट रेडिएटर ग्रिल। गाइज, यहाँ पे देखिए आप फ्रंट डीआरएल्स आपको दी जाती है और ये कनेक्टेड दे रखी है आपको फ्रंट से। और इसका सिक्वेंशियल इंडिकेटर देखिए ऐसे वर्किंग करता है। अच्छा, इसमें वाइपर्स भी ना आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी में दिए जाते हैं, जो नॉर्मल कार्स में थे वो नहीं रहते। और यहाँ पे फ्रंट ग्लास आप देख सकते हो, इसमें फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे ग्लास पे दिया गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। गाइस, यहाँ पे ना टाटा ने एक कमाल ही कर दिया, एक नया सेगमेंट पेश कर दिया और बाकी कंपनियों को ना काम में लगा दिया मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ये डिज़ाइन देखो, एसयूवी कूपे डिज़ाइन दे दिया कंपनी ने हमें। इससे पहले एसयूवीज तो आपने देखी होंगी। और डोर हैंडल्स देख रहे हो यहाँ पे, देखिए एक बार डोर हैंडल्स इसके, ये फ्लश डोर हैंडल्स दिए हैं विद इल्यूमिनेशन लाइट के साथ। और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखिए एरो इंसर्ट्स के साथ, क्योंकि एरोडायनेमिक्स को बेहतर बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए हैं। 18 इंचेस का टायर है, 215/55R18 यहाँ पे, चेक करिए एक बार। और डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं आगे पीछे दोनों साइड। एक बार इसका इंटीरियर चेक करिए, यहाँ से रेड इंसर्ट्स दिए गए यहाँ पे लेदर फिनिश के साथ। ये प्लास्टिक है और यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे। और अंदर से एक बार इंटीरियर चेक करिए इसका, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे टाटा कर्व में। ये डीजल वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ और 6-speed गेयरबॉक्स वाला मॉडल है। बाकी डिटेल में वीडियो आपको दिखाऊंगा गाइस, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे देखिए डोर हैंडल्स इसके, और कर्व की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया स्कर्टिंग्स पे भी। अच्छा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे देखिए। और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। और ये देखिए इसका जो डिक्की एरिया ना कुछ इस तरह से ओपन होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। अच्छा, जैसे से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। 500 लीटर का बूट स्पेस दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल रही होगी, ये देखिए काफ़ी बड़ा बूट एरिया है। 500 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर करा जाता है यहाँ पे। और ये रियर लाइट्स देख रहे हो आप इसकी, यहाँ पे देखिए इसके इंडिकेटर्स। यहाँ भी पियानो का यूज़ करा गया है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं छोड़ेगी टाटा की तरफ से। और रियर बम्पर पार्किंग सेंसर्स के साथ मिल रहा है आपको यहाँ पे। स्किड ब्लेड देखिए यहाँ पे वाइट सिल्वर कलर में दी गई आपको। और यहाँ पे देखिए इसका रिफ्लेक्टर, यहाँ पे देखिए क्रोम बेल्ट लाइन गार्निश भी दी गई आपको। क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 भी ऑफर करा जाता है। ये इसका कैमरा यहाँ पे प्लेस किया गया है। और जो रडार रहता है ना वो यहाँ पे इन्होंने
इंस्टॉल करा गया है। फ्रंट से लुक देखिए, इसकी लाइट्स सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं वेलकम एंड गुड बाय फीचर के साथ। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन देखिए एक बार गाइस, यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया यहाँ पे, और ये है कुछ इसका फ्रंट से डिज़ाइन, एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन रखा गया है। और ये एलिमेंट्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं बम्पर पे, इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और फ्रंट कैमरा है यहाँ पे देखिए, ये डीजल वेरिएंट है, इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस आपको 209 mm की मिलती है। और वाइपर्स देखिए, जो मैं आपको बात कर रहा था, बढ़िया क्वालिटी के वाइपर्स दिए गए हैं। ORVM देखिए पियानो ब्लैक में, साथ में यहाँ पे 360 कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे कैमरा प्लेस किया गया है। ये है गाड़ी की लेफ्ट साइड से लुक, कैसी लग रही गाइस गाड़ी आपको मेरे को कमेंट में बताना। और ये लैम्बोर्गिनी जो ओरुस आती है ना, सेम टू सेम डिज़ाइन लग रहा है यहाँ से, पीछे देखिए बिल्कुल कॉपी डिज़ाइन मुझे लग रहा है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे देखिए ईवी है, डॉट ईवी की ब्रांडिंग करी गई यहाँ पे, ये कर्व ईवी दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो टायर साइज़ रहने वाला है ना, 215/55 R18 इंच का ही है गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो इसके अलॉय व्हील्स हैं, ये भी सेम उसी तरह के एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करे गए हैं। और रियर से डिज़ाइन देखिए इसका, कूपे स्टाइल, ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगा आप लोगों को। देखिए कितना मतलब स्लोप में डिज़ाइन दिया गया है, और इस कलर में कैसी लग रही है गाइस गाड़ी आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो। ये देखिए इसका रियर से लुक, बाकी डिटेल वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ जल्दी। कर्व डॉट ईवी की ब्रांडिंग करी गई है, और रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए बम्पर पे, स्किड प्लेट दी गई है यहाँ पे, अंडर बॉडी आपको देखने को ऐसी मिलेगी। और गाइस इसका ईवी का इंटीरियर देखो एक बार, कितना प्यारा इंटीरियर दिया गया यहाँ पे। और ये देखिए ये डुअल टोन आपको देखने को मिलता है, ब्लैक एंड वाइट, साथ में यहाँ पे सिल्वर ग्रे का भी जो है लुक दिया गया है। सीट्स की एक बार लुक देखिए अंदर से आप, ये मुझे लग रहा है हाँ वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, और बकेट फिटिंग में सीट्स आपको ऑफर करी जाती हैं लेदरेट फिनिश के साथ। और रूफ़ की बात करें तो यहाँ पे सनरूफ आपको मिलती है पैनारोमिक स्टाइल। स्टीयरिंग अगर आप देखेंगे, फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, 12.5 inch की टच स्क्रीन है। तो गाइज अगर इसकी रेंज की बात करूँ ना, 585 किलोमीटर की क्लेम रेंज टाटा में ऑफ़र करती है, काफ़ी बड़ी यार रेंज हमें ऑफ़र करी जाती है इसमें। और यार इसमें जो प्राइस अगर मैं बताऊँ आपको, 17.49 lakhs इसका प्राइस रहने वाला है टाटा कर्व ईवी का। तो गाइज कैसी लगी आपको कार्स, यहाँ खड़ी है टाटा कर्व ईवी ग्रे कलर में, और वहाँ खड़ी है डीजल वाला वेरियंट, कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो यही था यार आज की वीडियो में, आज का इवेंट टाटा ने रिवील कर दिया गया है, आप दादा मोटर्स में आके आप विज़िट कर सकते हैं, कार को देख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलूंगा आपको ऐसी किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।